आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू सेकंड नेशनल एप्रिकॉट कॉन्फ्रेंस 2021 वर्चुअल 1 अगस्त तो अफगानिस्तान। और यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद है वो यहाँ पे हैं, ये देख लें, लक्कर चुली, फिर है हलमान, फिर है हवालापा, करफो चुली, खुस्तर चुली, यहाँ पे कुछ लिखा है वो पता नहीं क्या है, आप खुद पढ़ लें। यह करफो चुली को कोई अकसाम है, ये हैं, फिर ये हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कस्म के ख़ुबानी जिसको इंग्लिश में आप लोग एप्रिकॉट कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने फेस्टिवल लगाया हुआ है, यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। ये हैं जी, जिस तरह आप टमाटो पेस्ट देखते हैं इसी तरह ये हैं तूत सियाह का पेस्ट, जिसको आप तूत सियाह कहते हो, गले के खराश फलान फिस्तान बहुत सारे मर्ज के लिए दवा भी है, और ये जैम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एप्रिकॉट जैम है, जो चुली जैम इन्होंने, खुबानी जैम, और यहाँ पे ये फिर तूत सियाह का जैम है, ये जूस था और ये जैम है, और ये चेरी जैम है, और ये मुख्तलिफ कस्म के इन्होंने बीज यहाँ पे रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि इनके क्या क्या खसूसियात है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर शिगर में एक जगह है हशुपी बाग, यहाँ पे इनके बहुत बेहतरीन काविश है, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत कस्म का बाग सजाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को बल्तिस्तान के जो बल्तिस्तान में क्या कुछ हो सकते हैं बागबानी के लिहाज से या फ्रूट नर्सरी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो इनके काविशों के मैं तो बजाय तो खुद कादिर करता हूँ, और पूरे बल्तिस्तान वालों को ये दावत देता हूँ कि हर गांव में, हर इलाके में ऐसे ही बाग मुतारिफ कराएं, बागबानी करें, ताकि अपने इलाके की भी नुमाइंदगी कर सकें और माली तौर पर भी मुस्तहकम हो सके। और यहाँ पे इनका इंतज़ामिया है, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। या मामू इतना जी चीता ऐसी पीन चुली फेस्टिवल इन गामी तारीफ पहुंच गया अंगल जर जुदी है ना वांग शुरी ना जो इन जो ये ना देखो इन जो अच्छा जो इन जो यरकेन यरकेन चुली यरकेन है इसी करी नो दा मशहूर है तुम मशहूर है पिन बिल्कुल जो यरकेन ना क्यों फिल्ली भी ना सिर्फ बिल्कुल चाइना यरकेन ना जो चाइना नहीं हो भी वजह से चाइनी में ता फुहान ता जी भी फड़ी ले हम वदा जा ले हम वदा फेस्ट की ता ज्यादातर जो फड़ी ले हम वो इन जो सुखाने के लिए बेहतरीन चीज है। साहब तो शर्फा फोन ना रहे इस कर रहा तब्दील नहीं होगा जबरदस्त। अच्छा जी भी किस्म की से जो चिक दो सुरखी ने अच्छा ये अच्छा सफेद सफेद इंजो ठीक है जी। ये सुरखो यरकन चुली है, ये सफेद यरकन चुली है। अच्छा जो इन जो हलमन जो ये हलमन है मशहूर जमाना है। ये हलमन दरख्त का एक और भी मज़े की बात है, इसके पत्ते अगर आप उबाल के किसी जो अंदरूनी ज़ख्म के ऊपर लगा दें तो वो ज़ख्म भी अंदरूनी तौर पर जल्दी ठीक हो सकते हैं, उसके अंदर जो कचरा वगैरह है उसको, खून की गर्दिश को ये दूर कर सकते हैं, ऐसा एक मकामी हकीम ने मुझे बताया था। नहीं ये इस तरह मैं बताता हूँ, इसके जो पत्ते हैं इसके आप कुछ कहे फोड़ा निकलता है जी जी, तो इसके पत्ते को बॉयल करते हैं, बॉयल करके वो गर्म को इधर लगा देते हैं या कहे जख्म हो तो उसको लगा देते हैं, तो इसको बांध के रखें तो वो इसको बॉयल वो अंदर से पिघला के निकाल लेते हैं, कचरे वाले है वो सारा निकाल लेते हैं। ये सिर्फ हलमन चुली वाला है, ये हलमन चुली वाला है, किसी और का जिम्मेदारी नहीं है। बात ये जो करफो चुली है जी, इसके जो पत्ते अगर आप 5-7 पत्ते जी जी डेली जो जिनको ब्लड प्रेशर है जी जी अगर इसको बॉयल करके इसका कहवा पिया वो कड़वा है, मतलब पत्ते कड़वा होना चाहिए ना, पत्ते कड़वा हो जैसे भी हो वो 7 पत्ते आप लेना है ठीक है, उसको बॉयल करके आप दिन में एक थर्मास इस्तेमाल करना है बिल्कुल, तो आपको ब्लड प्रेशर कहवा मतलब कहवा इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। आपका नाम सर? रजा डी एग्रीकल्चर कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो सलाम बनता है सर, सॉरी मैंने सोचा हम लोग का लेकर जी जी। हाँ ये दायमी कब्ज है सफेद यरकन से जी, जो हमारे जो खो चुली होते हैं ना बिल्कुल सर, कड़वी खुबानी कड़वा कड़वा गिरी जी सर, तो ये इसकी जो सीड है बिल्कुल, इसके सीड में विटामिन B17 है जबरदस्त ठीक है जी, ये कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है जबरदस्त, जिस किसी को भी कैंसर हो वो आप डेली 2 से 3 गिरी खा ले बिल्कुल, तो ये कैंसर को कंट्रोल कर लेते हैं आपके। ये ऑथेंटिक मालूम है, ये एक सरकारी अहदेदार रिसर्च के बुनियाद पर कह रहे हैं, ये रिसर्च पेपर है इसके।
और मेरे भी कोशिश, आप लोगों को पता ही है कि ऑथेंटिक मालूमात के अलावा गैर ज़रूरी चीज़ें मैं शेयर ना करूं अपने यूट्यूब चैनल से, तो ये कन्फर्म है ऑथेंटिक बात है। और मोहतरम, आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, आप यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ। तो यहाँ आप यहाँ पे कारोबारी शख्सियत हैं, आप क्यों नहीं, आप ज़बरदस्त हैं। बल्तिस्तान के लोगों का यही मसला है कि अपने आप को कुछ नहीं समझते। हाँ बिल्कुल, इस वजह से जो है ना, मैंने अपने घर में जो ये सारे मैं अपने घर में तैयार करता हूँ। ज़बरदस्त, तो ये अपने अच्छा ही दरातों से हमने उतार के यहाँ लाया है। बल्तिस्तान के लोगों का एक ही मसला है कि वो अपने आप को कमतर समझते हैं और अपने आप को यानी कि कॉन्फिडेंस लो लेवल रखते हैं, इस वजह से मसाइल आते हैं। अभी अच्छी बात है, लोग इस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अच्छी बात है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बल्तिस्तान का एक मुकाम है और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद ऊपर तक ले जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं एप्रिकॉट फेस्टिवल के लिए, इनका मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एक से मैं पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि हर एक से इजाज़त लिए बगैर हम इनका एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही बहुत है। अस्सलामु अलैकुम, आपका नाम सर? अब्दुल कलीम सर। अब्दुल जलील, एग्रीकल्चर। ज़बरदस्त सर, ये भी एक सरकारी अहदेदार है माशाल्लाह से, इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल सजाए हुए। सर आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएं हमें। पिछले साल से शुरू किया, ये सेकंड एप्रिकॉट नेशनल एग्रीकॉट कॉन्फ्रेंस शुरू है यहाँ का। इस साल कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका, इसलिए ये छोटा सा कोशिश किया। बहुत शुक्रिया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स रखे हैं। बिल्कुल। आप सर? मेरा नाम रजब कमर है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ रजब कमर मेरे फेसबुक फ्रेंड है, ज़बरदस्त। तो आज हम यहाँ हाशिपुर गार्डन में जो है सेकंड नेशनल एप्रिकॉट कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कोविड की वजह से चूँकि ये वर्चुअल पे है, इस वक्त ऑनलाइन जूम पे जो है तमाम ऑफिशियल जो है यहाँ इस नेशनल एप्रिकॉट कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो यहाँ पर भी जो यहाँ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशल्स हैं, उसके अलावा मुल्क के तुल वारस से सयाहों की बड़ी तादाद भी इस नेशनल एप्रिकॉट कॉन्फ्रेंस में जो है वो शरीक हैं। इस का असल बुनियादी मकसद के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर शिगर गुलामुल्ला साकिब और हमारे जो ऑफिशियल है ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया रजब कमर भाई, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, बहुत खुशी हुई एक दूसरे को देख लिया, बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मेरा नाम है एग्रीकल्चर ऑफिसर शिगर हूँ। मैं पिछले चार महीने से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। और आज का जो इवेंट है वो सेकंड एप्रिकॉट कॉन्फ्रेंस, जो कि हमने यहाँ नेशनल एप्रिकॉट फेस्टिवल मनाना था लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गई, तो इसको वर्चुअली हमने कन्वर्ट कर दिया है। ज़बरदस्त। तो आज इसी फेस्टिवल की एक कड़ी है ये कि हमने वर्चुअली इसको कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पर मुख्तलिफ एप्रिकॉट्स के वैराइटीज़ और उसके बाई प्रोडक्ट्स हम यहाँ तैयार करके डिस्प्ले किया हुआ है और अपने नाज़रीन तक हमने पहुँचा भी दिया है इसको। तो बहुत शुक्रिया आप। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? सर अस्सलाम वालेकुम, शुजात हुसैन, एग्रीकल्चर ऑफिसर शिगर में काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। बेसिकली हमारे इलाके में एप्रिकॉट की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, तो हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ पे एक सेकेंड हमारा फेस्टिवल था एप्रिकॉट का, उसको मुनाकिद करें, लेकिन बदकस्मती से कोविड की वजह से हम ये फिज़िकली इसको मुनाकिद नहीं कर सके। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी जितने भी प्रोडक्शन है एप्रिकॉट की, वो उसकी मार्केटिंग पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो, इसकी प्रमोशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो किसानों के लिए ये एक आमदनी का ज़रिया बने। हमारे पास प्रोडक्शन माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग में जो हिंड्रेंस है उसको दूर करने के लिए अभी ये नेशनल लेवल का था, ले इंशाल्लाह अभी ये कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे जारी है तो इसकी मार्केटिंग में इंशाल्लाह ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी और हमारी फार्मर्स की आमदनी में इजाफे का ये बाइस बनेगा। सर वो इंटरनेशनल तौर पर भी आपका कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल, ये इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी शामिल है, तो अभी इसकी प्रमोशन इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। शुक्रिया। सर आप तो बताएं कि आप एहसन साहब लाहौर से हैं और आपका कोल्ड स्टोरेज है और आम के एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हम आपको शिगर में वेलकम कहते हैं, बेसिकली बल्तिस्तान में फिर शिगर में।
थैंक यू सर। और आप कुछ फरमाएं सर। मैं कहूँगा कि यहाँ का जो एप्रिकॉट है ये वन ऑफ द दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट में से आता है, क्योंकि इतना जूसी है। बट अब चैलेंज ये है कि इसको हम दुनिया तक ख़ास तौर पे स्टार्टिंग के पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ये चैलेंज है, इसको आगे देखना है कि 3-4 साल में क्या काम किया जाता है। ये अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के लोगों की तरफ से कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। ठीक है, कोविड की वजह से बहुत से लोग नहीं आ सक रहे, बट कम अज़ कम एक अवेयरनेस फैली है पहली बार कि यार यहाँ का भी कैप्रिकॉट है, लोग आए टेस्ट करें उसको। बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस पहला स्टेप होता है कि जिससे जब आपको गाही होती है किसी चीज़ की, फिर ही कोई आप एक्शन लेते हैं। अगर गाही नहीं है तो फिर एक्शन नहीं होगा। तो कम अज़ कम अब यह है कि गाही हुई है तो एक्शन मेरे आई एम श्योर कि कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर। शुक्रिया। कमर्शलाइज होगा। एहसान साहब लाहौर में, इनका कोल्ड स्टोरेज। और इन शख्सियत को देखा वाला है, जैसा लगता है मेरे फेसबुक फ्रेंड ये भी होंगे, जब हम नाम पूछेंगे तो पता चल ही जाएंगे। सर आपका नाम? जी एम साकिब, डीडी एग्रीकल्चर शिकार। ज़बरदस्त सर, नाइस टू मीट यू। सर आप इस बारे में कुछ बयान फरमाएं। एप्रिकॉट फेस्टिवल के हवाले? जी सर, एप्रिकॉट फेस्टिवल 2019 में फर्स्ट टाइम शिकार में, ये एप्रिकॉट फेस्टिवल शिकार के नाम से कैलेंडर इवेंट बनने जा रहा था। 2020 में 21 में कोविड की वजह से हम फिजिकली इसे नहीं कर पाए, तो आज ये जो आप देख रहे हैं हमने ऑनलाइन एप्रिकॉट फेस्टिवल को मनाया। इसमें 40 के करीब जो है ना वर्ल्ड लेवल के स्पीकर्स हैं जो ऑनलाइन जो है ना सुबह से 10 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट है और शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक ये मुख्तलिफ टेक्निकल सेशंस में पूरे दुनिया से लोग अब जुड़ गए हैं। पहले हम हाशिपी गार्डन्स में ये करते थे, अफगानिस्तान मॉडल एग्री टूरिज्म विलेज वाले शरीक होते थे, अब ये पूरी दुनिया का एक वो बन गया है। हम आज बहुत खुश है कि हमारे ये जो एप्रिकॉट अवेयरनेस जो कैंपेन है कामयाबी से चल रही है। बिल्कुल कामयाबी से चल रही है। आज प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल असिस्टेंट है जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो इस प्रोग्राम के इनागुरल सेशन में तशरीफ रखते थे। हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनाब हुसैन सलीम साहब, उसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनाब डॉक्टर मोहम्मद बशीर भट्ट साहब, उसके अलावा बलूचिस्तान से डीजी एग्रीकल्चर जनाब कासिम साहब, इसी तरह के पी के से और पंजाब से इतिहाई अहम लोग, इतिहाई पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाले लोग हमारे एप्रिकॉट कैंपेन का हिस्सा बन गए। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो एप्रिकॉट कैंपेन है, एप्रिकॉट कैंपेन क्या है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का ये जो सोना है, गोल्ड है, ये रोशनास कर रहा है और ये ज़ाय हो रहा है। तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमने बताया कि यहाँ पे बहुत मौके हैं काम करने के लिए, और ये पैगाम जो है ना कामयाबी से हम कन्वे करने में कामयाब हुए। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से लोग आएंगे और हमारे ये जो ज़ाय होने वाले फल फ्रूट है इसको ज़ाय होने से बचाएंगे और इससे कमाएंगे इंशाल्लाह। हमारे फार्मर्स को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। शुक्रिया सर आपका। मैच इनसे पहले हम बात कर चुके, लेकिन हम इस इवेंट के हवाले से पूछते हैं। पहले हमने खुबानी के इस्तेमाल के हवाले से पूछा। जी सर आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद रजा है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ज़बरदस्त। तो जी एम साकिब साहब के हुक्म पर पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। ज़बरदस्त। तो बहुत ही अप्रिशिएबल ये इवेंट है, क्योंकि हमारा ये जो खुबानी है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जो फल है, उसको यहाँ के अगर यहाँ के जो फलों का बादशाह कहा जाए तो कम ना हो, कम है। तो सबसे ज़्यादा ये होता है और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसको लोगों को वर्ल्ड लेवल पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में बहुत मौजूद है, लेकिन अभी तक इसकी जो मार्केटिंग सिस्टम है इसको सही नहीं, उजागर करने की ज़रूरत, उजागर करने के लिए ज़रूरत है। तो अगर ये आगे हमारे मास तक पहुँच जाए तो आवाम को भी फ़ायदा होगा और इलाके के ज़रिए फार्मर को भी फायदा। सर हम आपसे उम्मीद यही करते हैं आप लोग अपने तौर पर कोशिश रखें, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश हो सकते हैं और लोगों की सेहत भी बेहतर हो सकती है। शुक्रिया सर। तो बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है, इसको आगे करने की ज़रूरत है। सलाम सर आपका नाम?
हाँ, मेरा नाम आबिद शिकरी है, प्रेसिडेंट। आबिद शिकरी, ये भी मेरे फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड है। जी सर, आगे कुछ फरमाएं। अच्छा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अच्छी इनिशिएटिव है कि यहाँ पे जो एप्रिकॉट फेस्टिवल मुनक़द हो रहे हैं। एप्रिकॉट आसिफ में शिकर की एक पहचान है। तुर्की के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एप्रिकॉट है वो शिकर में पैदा होते हैं, लेकिन जो बेशतर एप्रिकॉट से वो जो गैर क्या कहते हैं फार्मर तरीके से ज़ाया हो रहे थे। तो इन जब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने शिकर में इनकी ज़िदी दफातर खुलाए, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दिया, इसको सुखाने के डिहाइड्रेंट के वगैरह के उन्होंने तरीके सिखाए, जिससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इनको मार्केटिंग करने के लिए, इनको आगे दूसरे एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे जगहों पर ले जाने के लिए कोई खातिरखा वो बंदोबस्त नहीं था। तहम इस जो 2019 में जो फर्स्ट एप्रिकॉट फेस्टिवल मुनक़द हुई थी ना, उसके बाद से खुबानी और शिकर लाजिम व मलजूम बन गई है। केटू के बाद ये दूसरा इवेंट होगा जो शिगर की पहचान होगा, इंशाल्लाह। हमारे दुआएं आपके साथ हैं। पहली बात तो पाकिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर बल्तिस्तान, फिर मेरा अपना ताल्लुक ज़िला गांछे, गांछे के फिर तहसील माशबूम सबसे पसमानदा, फिर आगे जाके सियाचिन ग्लेशियर के दामन यूनियन कौंसिल कोंदोस में रहते हैं, जो कि दुनिया का शायद पसमानदा तरीन हो। लेकिन हमारी कोशिश पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फिर बल्तिस्तान के लिए हाजिर है। सिर्फ खुबानी को यहाँ पैदा होने वाली अच्छी वराइटीज़ को रोशनास कराने में मदद साबित होंगे, बल्कि शिगर के एक मजबूत जो पहलू चेहरा उसको दुनिया को दिखाने का, उजागर करने का भी जरिया बनेगा। शुक्रिया सर।